सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नया साल का मौका देता हूँ। इतना गैदरिंग पहला बार देखें बहुत दिन बाद। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 तारीख को जो एक दुखदपूर्ण घटना घटी है, जिसमें पंजाब के 2 मजदूर मारे गए, और उस केस को श्रीनगर पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल ढंग से सॉल्व कर लिया है। और उसमें जो आदिल मंजूर श्रीनगर का ही है, जाल नगर का है, जो इन्वॉल्व था मेन एक्यूज़र, जिसने फायर किया है, जिसको पाकिस्तान के हैंडलर ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिवेट किया, मोटिवेट करके उसको श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये पहला ऑफेंस जो है ये रिकवरी हो गया है। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक SIT गठित की है, जो तफ्तीश को प्रोफेशनल ढंग से किया जा रहा है। इसमें मैं आईजी साहब रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल में आपको पढ़ के सुनाएंगे। मैं हिंदी में ही बोल दूंगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था, जिसके तहत एक शाला कदर शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं, अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो हैं उसमें फोत हो गए थे। वो दे सकम टू द इंजुरीज। इसमें कहने की बात यह है कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में, उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में FIR नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ, जेरे दफा 302-307 और रेलिवेंट सेक्शन ऑफ UAPA एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो है श्रीनगर पुलिस ने काफी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया, फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जिसमें काफी मेहनत गई और उस दौरान काफी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पर इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें, जो इन्वॉल्व है, जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन अक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हियर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय हिम टू दिस फेलो हु लेटर ऑन कंडक्टेड दिस टेरर अटैक ऑन 7th of February। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, दैट हैज बीन रिकवर्ड नाउ। और इसमें DIG सेंट्रल कश्मीर ने एक SP साउथ की कयादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। इसमें मैं आप लोगों से 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा जो बहुत रिलेवेंट है, कि जो इस टाइप का मॉड्यूल को यहाँ पर लड़कों को रिलीज करके भर्ती कराता है, फिर इंसिडेंट करवाता है, ऐसे हैंडलर को चाहे पाकिस्तान में हो या किस वर्ल्ड के किसी कोना में, उसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से कानून तौर पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। अगर ये हैंडलर लोकल ही है पाकिस्तान में है, तो उनके घर वाले के खिलाफ उनके प्रॉपर्टी पर जब्त किया जाएगा, हार्ड एक्शन लिया जाएगा। दूसरी पॉइंट है जो मैं यहाँ के अवाम से, खास करके पेरेंट्स से अपील करता हूँ और टीचर कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि आपके अगर कोई ऐसे लड़के लगते हैं कम एज वाले जो सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज हो रहा है, उनका बिहेवियर पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है, गलत टाइम पर ऑफ टाइम पर जाकर दोस्तों से मिलता है, तो पुलिस को बताए और अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि इस टाइप का जो हैवी टेररिस्ट होता है रेडिकलाइज होता है, घर वालों को पता नहीं चलता है, टीचर को पता नहीं चलता है और बाद में जाके इंसिडेंट करता है। आज के जमाने में डिजिटल वर्ल्ड में उसको बच रहना मुश्किल है। हम लोग हर एक मॉड्यूल को बस्ट करते आ रहे हैं, इसको भी किए हैं, आगे भी इंसिडेंट को उसको बस्ट करेंगे और हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दिया जाएगा कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू। इसलिए मैं पेरेंट्स से फिर अपील करता हूँ एक बार, अपने बच्चों पर ध्यान रखे, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको देखें, उनका ड्यूटी है और टीचर्स का भी उसकी ड्यूटी यही है।